हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 28 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस कितने अरब डॉलर संपत्ति वाले विश्व के पहले शख्स बन गए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो जेफ बेजोस हैं अमेजोन के मालिक, ये सबसे अमीर आदमी है व्यक्ति के। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 200 अरब डॉलर। तो ब्लूमबर्ग बिलिनियर इंडेक्स के मुताबिक अमेजन के मालिक जेफ बेजोस हाल ही में 200 अरब डॉलर यानी कि 15 लाख करोड़ संपत्ति वाले विश्व के पहले शख्स बन गए हैं, जबकि टेस्ला इंक के शेयरों में उछाल आने से कंपनी के फाउंडर एलन मस्क की संपत्ति 101 अरब डॉलर हो गई है। तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो जो अगला है प्रश्न वो है कि निम्न में से किस चीनी ऐप के सीईओ केविन मेयर ने महज 4 महीने में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका सही उत्तर है बी, टिकटॉक। तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भी इसे बैन किया गया था। तो चीनी ऐप टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने महज 4 महीने में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत के बैन के बाद अमेरिका में भी टिकटॉक को संकट का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है और टिकटॉक को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कि ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के मुताबिक भारत की मोदी सरकार से कितने फीसदी चीनी नागरिक खुश हैं। तो मोदी सरकार से सिर्फ 50% ही चीनी नागरिक खुश हैं। तो इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो चीन के एक सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के मुताबिक भारत की मोदी सरकार से 50% चीनी नागरिक खुश है। सर्वे में पता चला है कि चीन के लोग अपने नेताओं के एक्शन से खुश नहीं है। जारी सर्वेक्षण में 70% चीनी लोगों ने कहा कि भारत में चीनी विरोध सोच बहुत ज़्यादा है। वहीं 30% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर जाएंगे। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न है कि कोविड-19 के दौरान बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने एक दिन में कितने फेनॉल की बोतलों के उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही उत्तर है 51,960 बोतल, या सीधे सीधे आप लगभग 52,000 भी याद रख सकते हैं। तो कोविड-19 के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने एक दिन में 51,960 बोतलों के उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित BPCL इकाई पनीहाटी को हासिल हुई है। तो हम लोग आपको बता दें कि ये जो बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, यानी कि यह पब्लिक सेक्टर है। तो अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में 15 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें 11,427 करोड़ रुपए की लागत वाली 1,361 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल हैं। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के विकास में राज्य के भीतर सड़कें और उसके आसपास बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा सुनिश्चित करने के साथ साथ आर्थिक विकास की गति में भी मदद मिलेगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस योजना के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है ए, उड़ान योजना। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है। इस योजना के चौथे चरण में पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने की योजना के साथ ही स्कीम के तहत अब तक कुल 766 हवाई मार्गों पर विमान सेवाओं को मंजूरी दे दी गई है। तो आते हैं सातवें प्रश्न पर। तो सातवां प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो T20 में कितने विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो इन्होंने 500 विकेट लेने का एक नया कीर्तिमान बनाया है। तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो CPL में रैकीम कार्नवाल की विकेट लेने के साथ ही T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। साथ ही वे CPL में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए हैं, जबकि 995 मैचों में 390 विकेट के साथ मलिंगा दूसरे स्थान पर है। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। तो जो आठवां प्रश्न है वो है
कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य निर्यात के लिए देश का सबसे अच्छा तैयार राज्य है, या सबसे ज्यादा तैयार राज्य है? तो इसका सही उत्तर है बी। तो सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है कि इसके द्वारा जारी किए गए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत का गुजरात राज्य निर्यात के लिए देश का सबसे ज्यादा तैयार राज्य है। देश के 8 कोस्टल राज्यों में से 6 एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस की टॉप 10 की रैंकिंग में है। लैंडलॉक राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। तो लैंडलॉक वो राज्य होता है जिसके पास समुद्री सीमा नहीं होती, जो चारों तरफ से अन्य राज्यों से या चारों तरफ से अन्य देश या अन्य राज्यों की भूमि से घिरा होता है। तो अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत YouTube चैनल पर हर बुधवार को एक नया वीडियो डाला जाएगा, जबकि इसकी पहली और दूसरी कड़ी YouTube में अपलोड हो चुकी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों का तनाव दूर करते हुए उनका शारीरिक विकास करना है। तो अब आते हैं हम लोग 10वें प्रश्न पर। तो दसवां प्रश्न है कि लेग स्पिनर प्रवीण तांबे कैरेबियन प्रीमियम लीग खेलने वाले कौन से भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, पहले। तो लेग स्पिनर प्रवीण तांबे कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। साथ ही 48 साल के तांबे किसी T20 लीग में खेलने वाले संभवतः सबसे उम्र दराज क्रिकेटर हैं, जबकि प्रवीण तांबे IPL 2020 में खिलाड़ियों की नीलामी में बिकने वाले सबसे उम्र दराज क्रिकेटर भी थे। तो अब आते हैं दोस्तों हम लोग 28 अगस्त की ऐतिहासिक घटनाओं पे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सन 1600 मुगलों ने अहमदनगर पर कब्जा किया। 1845 प्रसिद्ध पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन का पहला संस्करण छपा। 1858 उंगलियों के निशान को पहचान बनाने वाले ब्रिटेन के विलियम जेम्स हर्शल का जन्म हुआ। 1896 प्रसिद्ध उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी का जन्म हुआ। 1904 कलकत्ता से बैरकपुर तक प्रथम कार रैली का आयोजन हुआ। 1914 आज ही के दिन पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1916 प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1922 जापान साइबेरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हुआ। 1924 जॉर्जिया में सोवियत संघ के खिलाफ असफल विद्रोह में हजारों लोगों की मौत हुई। 1956 इंग्लैंड ने क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर एशेज श्रृंखला पर कब्जा किया। 1972 साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण बिल पारित हुआ। 1984 सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 1986 भाग्यश्री साठे शतरंज के ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1990 इराक ने कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित किया। 1992 श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की। 1996 इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी डायना ने औपचारिक तौर पर तलाक लिया। 1999 मेजर समीर कोतवाल असम में उग्रवादियों के एकजुट के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। 2008 अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया। 2018 भारत के मनजीत सिंह ने जकार्ता एशियाई खेलों की पुरुष 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों ये हमारे 28 अगस्त के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।